हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम काल कैसा रहने वाला है, यानी कि कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय और उड़ीसा, इन सभी राज्यों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा, कहां पर बारिश होगी और कहां पर आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम जहां पर आप रहते हैं कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम काल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी पूरी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के पूर्वी और मध्य भागों में भी बारिश से बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी बारिश होने की पूरी पूरी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसी के साथ गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी एक या दो स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोंकण और गोवा तक के कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली में भी हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बात करें कि देश भर का मौसमी सिस्टम है जो क्या कहता है। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र है जो अब आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण है जो औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जबकि एक ट्रफ रेखा है जो आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र से जुड़े अन्य चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से पूरे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैल चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात कर ली जाए कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई है और कहां पर आंधी तूफान देखने को मिला है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि उत्तर पूर्व भारत, बिहार, झारखंड, उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में भी छिटपुट हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। वहीं तमिलनाडु, लक्षद्वीप, उत्तराखंड और कोंकण सहित गोवा में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जा चुकी है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों ये था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा और आप किस क्षेत्र से हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।